हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज फिर से लेके आई हूँ मैं एक नया व्लॉग, और इस व्लॉग में मैं ये लेके आई हूँ शक्करकंदी। काफ़ी दिन से रखी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे तैयार करें। मतलब ऐसे उबाल के तो तैयार कर लेते हैं, उबाल जाती है, काट के हम उबालते हैं तो, लेकिन उनमें वो टेस्ट नहीं आता जो हम भून के खाते, वो वाला टेस्ट इसमें नहीं आता। तो मैं 2 दिन से काफ़ी बिजी थी, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था। तो ये मेरे को डांटने लगे कि पैसे लग जाते हैं, कुछ करती नहीं है, ऐसे पड़ा रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। तो मैंने इन शक्करकंदी को लिया और फिर इसके बीच से दो कट कर दिया, मतलब 2 हिस्सों में इसको कर दिया एक शक्करकंदी को, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये जल्दी से उबल जाएगी। और साथ में मैंने लिए काला नमक, सेंधा नमक और काली मिर्ची, इनको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने शक्करकंदी ली थी उसके उसके चारों ओर लगा लेंगे, मतलब उसके बीच का हिस्सा जो हमने कट किया था उसमें हम इसको लगा लेंगे। तो अब तीन ही शक्करकंदी थी ये, मेरे ख्याल से 1.5 किलो के लगभग थी। और साथ में लेंगे हम फॉइल पेपर, जो सिल्वर पेपर आता है, तो आज हम उसकी हेल्प लेंगे। अब हम बीच में काली मिर्ची और जो मसाला हमने तैयार किया है वो लगा लेंगे। तो काली मिर्ची और नमक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी हम किसी सब्ज़ी में हम नमक डालते हैं तो जल्दी से पक जाती है, मतलब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो इसलिए मैं बीच में नमक लगा रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये पक के तैयार हो जाए। और इसको जैसे बंद थी वैसे ही हम बंद करके रख देंगे। ऐसे ही हम तीनों जो शक्करकंदी है तीनों में लगा लेंगे नमक को। अगर हम नमक लगा के नहीं खाते हैं तो वैसे भी बीच से कट करके हम रख सकते हैं, जो जैसे व्रत में तैयार की जाती है। तो एक फॉइल पेपर लेके और इसके चारों तरफ से हम शक्करकंदी के लपेट देंगे, क्योंकि फॉइल पेपर में भी ये जो सिल्वर पेपर होता है इससे भी हमें यही मदद मिलती है ज़्यादातर, है कि अगर हम इसको इसमें कुछ भी खाना डाल के जब पकाते हैं तो चारों तरफ से इसको बराबर टेम्परेचर मिलता है और जो खाना होता है अंदर अच्छे से पक के तैयार हो जाता है, कहीं से भी जलता नहीं है। तो बराबर टेम्परेचर देने के लिए हमें सिल्वर पेपर काफ़ी हेल्प करता है। तो अब जो पीछे की साइड हम जहाँ पे पानी रखते हैं या फिर दलिया वगैरह बनाते हैं वहाँ पर हमने बीच में से जो मतलब आँच ज़्यादा हो गई थी, भूबड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो और इस गरम जो राख होती है इसके बीच में दबा देंगे ताकि इसको बराबर टेम्परेचर मिले। और जिसके पास ये सब नहीं होता तो हम उसको जैसे पतीले में रख के और एक बर्तन के ऊपर रख के और नीचे की साइड जो बालू मिट्टी आती है उसको रख के और गैस पे हम अच्छे से बना सकते हैं चाहे तो। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे तो ऐसे ये भी मिल जाता है, यहाँ तो गाँव का यही फ़ायदा होता है, सब कुछ मिल जाता है। तो लगभग 2 घंटे के बाद मैंने सारा काम कर लिया और फिर मैंने चेक किया तो हमारी शक्करकंदी अच्छे से पक के तैयार हो गई थी। और ख़ास बात ये है कि कहीं से जली नहीं, हम वैसे ये जब दबाते हैं, जब गर्म राख में दबाते हैं तो ऊपर ऊपर से जल जाती है, इसमें ये फ़ायदा हुआ कि ये ऊपर से जली नहीं है और प्रॉपर तरीके से भुन के तैयार हो गई। और इसका जो छिलका निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, वैसे बनाते हैं तो इसका छिलका भी जो निकालते हैं ना तो काफ़ी दिक्कत होती है, ऊपर से जल जाता है तो कुछ ही हिस्सा खाने के लिए निकलता है। तो इसमें सारा का सारा हिस्सा खाने के लिए ही निकला है, बस छिलका ही अलग किया है। और सबको बहुत अच्छा लगा ये तरीका, क्योंकि इसमें जो राख वाली मिट्टी होती है वो लगी नहीं कहीं पर भी, और जब खाते हैं तो मतलब मुंह में मिट्टी जैसा होता है तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ, तो सबको बहुत अच्छी लगी। तो ये तरीका फिर बोल रहे थे कि हाँ यही तरीका आगे से यूज करेंगे। तो रात के टाइम खाना खाने के बाद सबने बस शक्करकंदी खाई। और इसको हम जैसे फास्ट करते हैं ज़्यादातर, तो सर्दियों में फास्ट करने में दिक्कत होती है, तो हम ये शक्करकंदी ऐसे करके हम खा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर वही शक्करकंदी मंगवाती जब भी फास्ट होता है मेरा। तो रात शाम के टाइम, शाम क्या रात ही हो गई थी, 9 बजे के लगभग टाइम हो रखा था जब हम खा रहे थे, और गर्म ही थी, मतलब हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, इतनी गर्म थी। काफ़ी देर के बाद हमने यूज किया था,
तो ये तरीका मेरा कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरा नमक के लिए ना लिट्टी और नमक काला, इतना नमक थोड़ी सिंधा नमक और काला नमक बढ़िया है। वापस करना ये रिएक्शन, इसी के तकनीक अपनाएगा भाई, ठूस दियो काट के ठूस दियो वापस करना मम्मी काट के ठूस जाए।